नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HTML ट्यूटोरियल में। हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए जो सबसे पहला लैंग्वेज हमें सीखना है वो है HTML। HTML जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हमें सीखना है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। एक सबसे पहले मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और देखते पहले वेबसाइट को, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आएंगे HTML के बारे में समझने। तो मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, या ओपेरा हो, कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और ये मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये वेबसाइट मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो इस वेबसाइट को देखते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो ब्राउजर में पूरा ये ऊपर से नीचे तक जो दिख रहा है वो है बॉडी। दिस इज द बॉडी ऑफ द वेबसाइट। तो जो बॉडी में हम जो भी इंसर्ट करेंगे वो आपको जिस तरह से ये दिख रहा है, ये सारा कुछ ये बॉडी में इंक्लूड है, ये सब कुछ, ये इंस्टाग्राम, ये हेडिंग और ये सारा बॉडी में इंक्लूड होता है। और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ब्राउजर में एक नाम लिखा है सिद्धार्थ ब्यौ। तो ये जो है ये टाइटल है, टाइटल ऑफ द पेज है और यहाँ से आप टाइटल देख सकते हैं। ये बेसिकली ये वेबसाइट है, आपने कई बार वेबसाइट्स देखे हैं। चलिए अब वापस चलते हैं और मैं यूज कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट। आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए HTML फाइल को आपको पहले सेव करना होता है। आप HTML फाइल सेव करेंगे तो और यहाँ पे जब आप फाइल नेम देंगे जैसे फर्स्ट क्लास डॉट HTM या HTML टाइप करेंगे आप, इससे ये पता चलेगा ब्राउजर को कि ये HTML फाइल है। पूरे पेज का स्ट्रक्चर जो हम ये HTML टैग्स के जरिए हम ब्राउजर को बताते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ डॉट HTM, कोई डिफरेंस नहीं है डॉट HTM और HTML में, और इसे सेव करते हैं। तो चलिए एक स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट का, एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने याद रखना है सबसे ऊपर जो है आपको लिखना है डॉक टाइप HTML और ये ब्राउजर को बताएगा कि हम लेटेस्ट HTML जो HTML 5 वर्जन है वो यूज कर रहे हैं। तो एक बार फाइल के सबसे ऊपर आपको ये लिखना है, उसके बाद हम शुरू करते हैं HTML टैग से। और HTML में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं, ये हमने ओपन कर दिया और इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो जो ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज करेंगे ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के, फिर वही सेम। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे HTML क्लोज हुआ है, तो इसके बीच में जो भी है वो HTML टैग का पार्ट है, राइट। चलिए इसके HTML के अंदर फिर आ जाएगा हेड, और क्योंकि हमने ओपन किया है तो हम इसे क्लोज भी करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश हेड, राइट। और हेड के अंदर हम यूज करेंगे टाइटल, टाइटल और टाइटल हमने स्टार्ट किया है तो क्लोज फॉरवर्ड स्लैश देके उसे क्लोज भी करेंगे, राइट। और फिर हेड के बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, बॉडी स्टार्ट किया तो बॉडी हम
यूज भी करेंगे, राइट। तो ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी HTML फाइल का। यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर रहे हैं कि हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML यूज करने जा रहे हैं जो है HTML5। उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर एक जो है हेड है और एक बॉडी है, राइट। दो पार्ट है इसके, एक हेड है और एक बॉडी है। अब बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो जो बॉडी है ब्राउजर की वहां पे डिस्प्ले होगा, और हेड है, हेड के ऊपर जो लिखेंगे हम वो जैसे कि टाइटल अगर हम यूज कर रहे हैं तो टाइटल सेक्शन में यूज होगा। चलिए एक इसे हम एक बार सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। ब्राउजर ओपन करता हूं मैं, कंट्रोल ओ प्रेस करता हूं और फाइल सिलेक्ट करता हूं, फर्स्ट क्लास जो अभी अभी हमने सेव किया उसे ओपन करता हूं, और आप जैसा कि ये देख रहे हैं eHTML, ये मेरा लोकेशन है फाइल जहां पे सेव कर रखा है, जो कि जब हम वेब सर्वर में अपलोड करते हैं एक साइट कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे आपको www. वेबसाइट का नाम और वो URL आएगा। अभी हमें, क्योंकि हम जिस फोल्डर पे काम कर रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पे शो करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऊपर फाइल नेम शो कर रहा है फर्स्ट क्लास डॉट html, जो बाय डिफॉल्ट अगर आपने टाइटल कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो ये फर्स्ट क्लास डॉट html दैट इज फाइल नेम ही शो करेगा। अब बॉडी, ये पूरा बॉडी है जो कि बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बॉडी में कुछ भी अभी तक किया नहीं है, कुछ भी इंसर्ट नहीं करा। सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल टैग को, हेड के अंदर आता है टाइटल टैग, यहाँ पे लिखते हैं हम सपोज हेलो वर्ल्ड, राइट। और ये इसे सेव करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि टाइटल आपका चेंज हो गया और टाइटल है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक बेसिक है, आज पहला क्लास है तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना चाह रहा था। अब ले लीजिए बॉडी, बॉडी में अगर मैं कुछ लिखता हूं सपोज हेडलाइट्स, राइट, ये बॉडी के अंदर रखता हूँ देखने के लिए कि ये डिस्प्ले कहाँ पे होता है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है बॉडी के अंदर। और तो मेरे ख्याल से आप अब समझ गए होंगे डिफरेंस कि अगर हम टाइटल के अंदर लिखते हैं तो टाइटल कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है चेंज, और बॉडी के अंदर लिखते हैं तो बॉडी पे। चलिए एक दो मैं टैग भी बता देता हूँ। अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज किया होगा तो H1 के बारे में आपको पता होगा। H1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखता हूँ न्यूज हेडलाइंस और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर चला जाता हूं मैं H1 पे, तो हेडिंग 1, दैट इज ये हेडिंग 1 पे। अगर मैं इसे कॉपी करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन है, पेस्ट करता हूं और इसे सिलेक्ट करके मैं करता हूं हेडिंग 2। इस तरह से मेरे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 अलग अलग हेडिंग्स की है। सिमिलरली हमारे पास HTML में भी ये हेडिंग टैग्स है जो हम यूज कर सकते हैं, और हमने यहाँ H1 लिखा, डेट मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हेडिंग 1 में डिस्प्ले होगा। हेडिंग 1 इज साइज, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। और सपोज मैं इसके बाहर लिखता हूँ टुडे, राइट। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये
न्यूज हेडलाइन जो है हेडिंग वन में आ रहा है, साइज इसका हेडिंग वन में आ रहा है, लेकिन टुडे नॉर्मल जो डिफॉल्ट साइज है वो आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एच वन टैग यहां स्टार्ट किया और एच वन टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहां पे क्लोज किया, और ये जो है ये इस टैग के बाहर है टुडे, इसलिए टुडे भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सपोज हम ये ले लेते हैं एच टू और इसे यहां क्लोज कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि टुडे जो है वो H2 में, वो H2 साइज में डिस्प्ले कर रहा है। एक और जल्दी से मैं एक और, आज मेरा पर्पस सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखाने का था, क्योंकि ये पहला क्लास है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला इसमें, बस एक लास्ट आपको पैराग्राफ में बता सकता हूँ। दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ, इंडिया वन द वर्ल्ड कप क्रिकेट, एम एस धोनी कैप्टन कैप्टन ऑफ द टीम। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे दो तीन दफा पेस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से काफी है इतना। चलिए इसे सेव करते हैं और अब ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को ये हेडिंग पूरा हम हेडिंग वन ही कर देते हैं, H1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। न्यूज हेडलाइंस टुडे को हमने H1 में ले लिया और ये जो है इसे हम पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ यहाँ से सपोज यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं पैराग्राफ को और पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया। इसे सेव करते हैं और फिर ये जो मैसेज आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, इसलिए परचेज का बीच बीच में मैसेज आता है। इसे आप जब भी आए कैंसिल कर दीजिए या फिर आप अपने चॉइस के एडिटर को यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड या कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आप ब्राउजर में जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। जो पैराग्राफ मैंने लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट पे देखिए सारा एक साथ लिखा मैंने, लेकिन मैंने यहाँ टैग पी टैग मैंने यूज किया और इससे डिफरेंट कर दिया, ये एक अलग पैराग्राफ बना दिया, राइट। तो पैराग्राफ टैग का यही यूज है। सेव टेक्स्ट ज्यादा कर दिया मैंने और ये दूसरा, यहाँ भी अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ खत्म करना है, सेव फॉर एग्जांपल यहाँ, तो आप यहाँ पे टैग क्लोज कर, यहाँ पे टैग पी टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पी टैग क्लोज करेंगे। जैसे मैं दूसरा पैराग्राफ ले रहा हूँ, दूसरा पैराग्राफ ये ले लिया और मुझे यहाँ पैराग्राफ सपोज खत्म करना है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और फाइल सेव करता हूँ और ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो दोस्तों हम और भी बहुत कुछ समझेंगे HTML के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, बेसिक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML पहली सीढ़ी है और इसे कंप्लीट करने के बाद हम आगे का रास्ता भी हम तय करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ HTML में रुक जाएंगे। इसी चैनल में मेरे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स भी चल रहे हैं, अभी HTML चल रहे हैं और CSS जावास्क्रिप्ट भी मैं ऐड करूंगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन YouTube में मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं अगले क्लास में।